ली है। लव में वक्त से ये गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे थे, जिसके बाद आज खार हिंदुजा अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वहीं इसी खबर पर अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रजा मुराद जी, मुंबई से इस वक्त दुखद खबर, जहां दिलीप कुमार का आज निधन हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इंडस्ट्री पूरी पली है, बनती है। वो एक अभिनेता नहीं थे, वो एक पिता समान थे पूरी इंडस्ट्री के। वो मैं उन्हें कहूंगा कि वो अभिनय के जनक थे, अभिनय के वो भीष्म पितामह थे। तो और वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, एक अभिनय का स्कूल थे, वो अभिनय की विश्वविद्यालय थे। और कोई भी ऐसा अभिनेता, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं कभी ना कभी दिलीप कुमार के काम से प्रभावित नहीं हुआ। हर कोई उनसे प्रभावित हुआ है, उनके काम से। और वो काम नहीं करते थे, काम उनके लिए काम नहीं था। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी, जिस तरीके से आज इस तरीके की दुखद खबर सामने आई है, वही कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार जी का हमारे बीच से जाना एक सदी के अंत के बराबर है। तो आपको इस वक्त मुंबई से खबर बता रहे थे, जिस पे हमारे साथ रजा मुराद जुड़े हुए थे। तो मुंबई से ये दुखद खबर, जहां खार हिंदुजा अस्पताल में आज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है।